जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं आपको लिए लाया हूँ उरी का ट्रेलर। मेरा नाम है सिमर और आप देख रहे हैं वर्ड्स कंटेंट। चलिए शुरू करते हैं। आपने सोचा होगा कि मैंने जय हिंद वंदे मातरम से शुरू क्यों किया। ये एक मूवी जिस थीम पे बेस्ड है वो एक्चुअली देशभक्ति का थीम है। मैं उसको देशभक्ति का थीम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा 2016 में उरी कश्मीर में हमारे 19 जवानों को मार गिराया था पाकिस्तान मिलिट्री ने। अनआर्म जवान थे, रात को सोए हुए थे, उनके ऊपर अटैक करके उनको मार दिया था। उसी के अगेंस्ट जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उन्होंने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाके कुछ मिलिटेंट ट्रूप्स को डिस्ट्रॉय किया था। अर्लियर पाकिस्तान इसको जो डिनाई करता रहा कि ऐसा कोई हमला हुआ है, बट एक्चुअल में ये जब गवर्नमेंट ऑफिशियल ने पूरी रिपोर्ट जारी करी थी अपनी, तो उसमें पता लगा था जी हाँ ये हमला किया गया था और वाकई में इन्होंने कुछ मिलिटेंट ट्रूप्स वहाँ पे डिस्ट्रॉय किए थे। उसी पे बेस्ड ये मूवी है, बहुत पेट्रियोटिक मूवी है। मैंने इसका ट्रेलर देखा है, आज उसी के लिए ट्रेलर का ब्रेकडाउन लाया हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें स्टारर कौन है। विकी कौशल एक आर्मी ऑफिसर, यामी गौतम जो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आर्मी बेस दिखाई गई हैं। उसके बाद अजीत डोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनका रोल बखूबी प्ले किया है परेश रावल जी ने। उसके बाद आदित्य धर और भी स्टारर हैं, बट मेन ये तीन जो इसमें स्टार हैं, स्टार कास्ट हैं। फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है। अगर मैं अपने देश अपने भाइयों के लिए अब नहीं लड़ा तो मैं अपनी नजरों में फर्जी बन के रह जाऊंगा। सर आई प्रॉमिस यू, आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए, मैं अपने हर एक सिपाही को जिंदा सही सलामत वापस लाऊंगा। सबसे पहले शुरू कैसे होता है कि अटैक होता है हमारे मूवी के मूवी बेस में आपको ट्रेलर ब्रेकडाउन करने जा रहा हूं। सबसे पहले शुरू कैसे होता है, अटैक होता है हमारे देश की आर्मी फोर्स पे, 19 जवानों पे, उनके परिवार वालों का दिखाया जाता है कि कैसे उन परिवार वालों को झटका लगता है। और उनकी एक बेटी का जो टीवी पे भी आपको न्यूज़ में बहुत दिखाया था कि एक बेटी बहुत रोई थी अपने पिता के लिए। उसके बाद जब एक्चुअल में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो अजीत डोवल हैं वो देखते हैं, जो परेश रावल जो इस रोल को प्ले कर रहे हैं, कि अब इस समस्या से कैसे निपटा जाए, तो वो बोलते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक ही एक ऑप्शन है। जैसा पाकिस्तान को समझ आता है वैसा ही इस पे किया जाएगा। समझता है, उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है। सर्जिकल स्ट्राइक, तो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, हमारे जवान जाते हैं। और मूवी के आगे दिखाया जाता है कि जो हमारा विकी कौशल जो मेन लीड में है इसमें आर्मी ऑफिसर में दिखाए गए हैं, वो अपने जवानों को पूरा जोश से भरपूर रखते हैं और बोलते हैं हाउ द जोश हाय सर, हाउ द जोश हाय सर। वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का। इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश हाय सर, हाउ इज द जोश हाय सर, जय हिंद जय हिंद। तो बहुत ही एक फीलिंग ही फील गुड ही अलग आता है उसको। गाने भी बहुत अच्छे हैं। मैंने मेरे को मेरा पर्सनल फेवरेट जो इसमें सॉन्ग निकल के आया वो चल्ला है चल्ला, तुरिया तन के सिर ते कफन बन के मौत नू वाजा मारे ओ थर थर कंब दे सारे। तो वो बहुत अच्छा निकल के आया, मेरे को पसंद बहुत पसंद आया उसमें। उसके बाद यामी गौतम एक बहुत बोल्ड रोल में है, वो इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसको मतलब बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रही हैं, तो वो एक अलग दिख रहा है। उरी हमले का हैंडलर कौन था, प्लानिंग कहाँ हुई? भरोसा तो कीजिए मैं ज्यादा नाटक किया ना तो तेरे अखरोट तेरे मुंह से बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद वो अपने पूरे ट्रूप्स को लेके जाते हैं विकी कौशल और वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। कैसे कैसे वो उसको मतलब कौन कौन से वेपन्स यूज होते हैं, कैसे जाते हैं,
वो पूरा इस मूवी के अंदर समा बांध दिया गया है। आपको ये एक्चुअली ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड मूवी है, तो किसी को पसंद आएगी किसी को नहीं आएगी, बट पर्सनली मुझे ये मूवी का ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, आपको ये मूवी जाके देखनी चाहिए। जनवरी में ये मूवी रिलीज हो रही है, जनवरी 2019 में, और मुझे लगता है कि आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी। मैं इस ट्रेलर को देख के इतना ज़्यादा जोश में हूँ क्योंकि ट्रेलर में वो इतनी बार उन्होंने बोला हाउ द जोश हाय सर, तो वो एक बहुत मज़ेदार निकल के आया है। आपको भी जरूर ये मूवी जाके देखनी चाहिए। उम्मीद है मेरा ये ट्रेलर बैकग्राउंड आपको पसंद आएगा। कीप वॉचिंग वर्ड्स कंटेंट, कीप मूविंग, बाय बाय एंड जय हिंद। मैं लड़ जाना मतलब इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट।